हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम कर रहे होंगे। मेरा नाम है दशरथ और मैं आपको आज एक मेरा नया सॉन्ग आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो भीम सुमन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराऊंगा। तो मैं आज आपको भीम सुमन स्टूडियो दिखाता हूँ और कैसे रिकॉर्डिंग होता है उस चीज़ को भी दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। और फिलहाल मेरे पीछे देखिए, मेरा जो काम होता है वो स्पेशली फिल्मोरा ऐप्स में मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ और प्रीमियर प्रो में भी बनाता हूँ वीडियो और आप लोग के समक्ष रखता हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल जो मेरे वीडियो में चांद लगा देगा वैसे कुछ एडिटिंग कर रहा था, इसलिए मैं आप लोग के वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था। इसलिए आप लोग के लिए अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप लोग देखने को मिलेगा आप लोग को। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बता दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं और मैं भीम सोन स्टूडियो जसपुर वाला दिखाता हूँ और मिलाता हूँ, और वहाँ पर के जो जितने लोग काम करते हैं वहाँ पर उस फील्ड में भीम सोन के स्टूडियो में, उनसे सबसे मिलाता हूँ और परिचित भी कराता हूँ। चलिए चलते हैं और मैं आपको मिलाता हूँ। मैं फाइनली जिन भाइयों के साथ मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ उसमें से पहला भाई जो कैब भाई है उससे मिल चुका हूँ, और ये है कैब भाई। और मेरी यही अपाचे RTR इसी में जाना है हम लोग को, और अभी जो सिंगर है वो आ रहा है तो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं और मैं आप लोग को उससे मिलाऊँगा। तो मेरे वीडियो बने रही और मैं मिलाता हूँ आपको। मेरे सामने देखिए डेविड भाई, और ये भाई है मछली वाला भाई, जो मेरे को जब भी मैं जसपुर आना जाना करता हूँ तब मेरे को सलाम ठोकता है भाई, मस्त मज़ा आता है भाई। हाथ मिला लेता हूँ यार। और भाई फाइनली हमें जिसका इंतज़ार था वो आ चुका है, ये है कैलाश भाई जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। और अभी पेट्रोल पंप के पास हम लोग तेल डलाए और यहाँ से लोग डायरेक्ट भीम सुमन का स्टूडियो जसपुर निकलने वाले हैं। चले चलते हैं और मैं आपको जसपुर में भीम सुमन स्टूडियो में आपको मिलाता हूँ। मुझे लगता है फाइनली हम लोग जहाँ पे भीम सुमन स्टूडियो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग स्टूडियो के अंदर घुसने वाले हैं। तो मेरे साथ बन रही और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं और सर भीम सुमन से मिलते हैं और मैं आप लोग को मिलाता हूँ। यहाँ पास तो म्यूज़िक का जो सनसनी लहर है वो सुनने को मिल रहा है और हमारा दिल तो बेकाबू हो गया है सॉन्ग सुनने के लिए। वाह, बहुत ही तगड़ा म्यूजिक आ रहा है।
आई फाइनली सुगन फैस से मिल चुका हूँ। वापस तीन बजे ना हमारा सॉन्ग रिकॉर्ड होगा। सुमन भैया वर्क करते हुए मुझे लगता है क्रिसमस सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे लग रहा है। क्रिसमस ही चल रहा है अभी तो। अभी क्रिसमस चल रहा है तो उसी का सॉन्ग रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है। और यहाँ का जो सेटअप है देखिए बहुत ही तगड़ा वाला है। आप लोग को बारीकी से दिखा दे रहा हूँ। यह पेड़ लग रहा है इस रूम में मुझे लगता है जो सिंगर रहता है वो अंदर जाता है और ये पूरा साउंड से वो है साउंड मतलब कि इसमें साउंड वगैरह कुछ नहीं आता जाता है इसके अंदर में। जब सिंगर जाता है और आवाज़ देता अपना तो उस आवाज़ को इधर मिक्सिंग वगैरह होता है। और ये जो माइक है इसी माइक के थ्रू हम आवाज़ वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग फाइनली यहाँ पर का जो सैम्पल रिकॉर्डिंग था वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग घर पे निकलने वाले हैं। आई होप मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और मैं सुमन भैया से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग जो होता है किस हिसाब से होता है उस चीज़ के बारे में पूछता हूँ। अभी हम लोग जो सैम्पल रिकॉर्डिंग कराने आए थे तो इसके बाद फिर कौन सा प्रोसीजर होगा जिससे हम लोग पूरे गाने को कम्प्लीटली अपने अंडर में ले लेंगे। अभी तो सैंपल आवाज दिए उसके बाद फिर क्या करेंगे आप फिर हम लोग को मतलब कि फाइनल रिकॉर्डिंग जो भी होता है उसको फाइनल देंगे। अभी हम सैंपल के लिए ले लिए हैं। वोकल लेने के लिए हम बीट बनाए थे बस टेम्पो के हिसाब से किक और स्नेर को दिए थे और उसी जो टेम्पो है उस हिसाब से गाना उनका वोकल लेने के लिए किए थे। तो अभी म्यूजिक बनेगा उसके बाद फाइनल रिकॉर्ड लिया जाएगा उसके बाद फाइनल मास्टरिंग करके गाना को देना होगा वेब फाइल। थैंक यू भैया। तो हम लोग का जो रिकॉर्डिंग था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर उसका जो सैंपल रिकॉर्डिंग था तो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो मेरा आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए भाई लोग और कमेंट भी साथ कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।